हेलो दोस्तों, जैसा कि दिवाली फेस्टिवल नज़दीक है तो आप सभी घरों में सफाई अभियान शुरू हो जाता है, लेकिन जब बात आती है सीलिंग की सफाई की तो बहुत सी परेशानियां सामने आती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो वीडियो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाइफ टेक लाइफ स्टाइल। अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो डस्टिंग से रिलेटेड आपकी सारी परेशानी को सॉल्व करेगा, और मैं बताऊंगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसा कि हम बॉक्स ओपन करते हैं तो उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं तो हमें ग्रीन कलर की एक प्रोडक्ट हमको मिलता है। इसमें माइक्रोफाइबर से बना हुआ स्मूथ ब्लेंडिंग हेड डस्टर क्लॉथ मिला, और साथ ही इसमें देखने को मिलता है अपने को एक लॉन्ग स्क्रू टिप स्टिक जो लॉन्ग और छत जैसे सीलिंग के या फ़ैन के लिए भी, फ़ैन और साफ करने के लिए मतलब हेल्पफुल होता है। जैसे इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसे आप मतलब किसी भी आकार में, ये बहुत ही स्मूथ है, ब्लेंडेड हेड है जिसे आप हाथों से भी मोड़ सकते हैं, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसका, बहुत ही स्मूथ है और जो किसी भी तरह की रगड़ या स्क्रैच नहीं लगने देता इसको। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसको नीचे इसकी सफाई के लिए छोटा करके भी यूज़ कर सकते हैं, और पीछे इसमें स्क्रू टिप लगा रहता है जिसे हम खोल करके इसके अंदर लॉन्ग स्टिक ऐड कर सकते हैं ताकि हम फ़ैन की या सीलिंग की या छत की सफाई कर सकें। जैसे कि हम इसको जोड़ के स्टिक को अपने अकॉर्डिंग लंबाई और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, और फ़ैन के आकार या कहीं भी किसी भी तरह के आकार में अपन इसको मोड़ करके और छत की या फ़ैन की जो भी सीलिंग की सफाई इजीली कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसको किसी भी कॉर्नर में आसानी से ले जाया जा सकता है, सफाई की जा सकती है। इसके साथ ही यह वॉशेबल भी है और आसानी से इसको लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, और कार वॉशिंग के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये प्रोडक्ट नो डाउट लेना चाहिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।